मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम है कराची वाला, अ सब कॉन्टिनेंट विद इन अ सिटी, जो कराची की डाइवर्सिटी, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ कराची में रहती हैं उनके बारे में। तो ये किताब शाये हुई 2010 में, लेकिन मैंने इसकी रिसर्च और इस पर काम करना, लोगों से मिलना, घरों में जाके और बात करना, फोटोग्राफी करना, डॉक्यूमेंट जो मैं कर रही थी, तो ये 2008 से मैंने शुरू किया। तो शुरू दिन से मुझे ये ख्याल था कि जो कराची में ज्यूइश कम्युनिटी रहती थी, जो कि 20वीं सदी के आगाज़ में तकरीबन 2500 यहूदी यहाँ पर मौजूद थे कराची में, और उनके बारे में भी मैं यानी ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिल जाए। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने उन सहाफ़ियों से भी बात की जिन जो आमतौर पे छोटी कम्युनिटीज़ को वो करते हैं, कवर करते हैं। तो मैंने सहाफ़ियों से रابطہ किया जो आमतौर पर छोटी कम्युनिटीज़ के बारे में लिखते हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में। सबने यही कहा कि जो रेचल जोसेफ होती थी, आखिरी जिनको कहा जाता है कि यहाँ यहूदी खातून मौजूद थी, वो काफ़ी ज़यीफ़ भी थी और वो रखवाली करती थी, देखभाल करती थी। जब सिनेगॉग यहाँ पर लॉरेंस रोड, जो निश्तर रोड है, वहाँ मौजूद था, तो और जो कब्रिस्तान है मेवा शाह के वहाँ जो उनका, लेकिन वो भी चली गई या गुजर गई, बहरहाल तो अब कोई नहीं है। और जो है, अगर कोई है, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको अपनी जान का खतरा है। तो वो या तो अपना बदल कर, यानी अपने आप को या तो ईसाई जाहिर करते हैं या पारसी जाहिर करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई है नहीं। बहरहाल, तो मुझे बड़ा अफसोस था इस बात का कि मुझे कोई कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। लेकिन मैं सर्च कर रही थी, पढ़ रही थी नेट पे, तो एक आर्टिकल मुझे मिला और वो लिखा हुआ था एक साहब का जिनका नाम था डेविड हॉरोविट्स, और उसमें उन्होंने उसका टाइटल था देर आर नो मोर ज्यूज इन पाकिस्तान। लेकिन उसमें उन्होंने जिन का जिक्र किया था, कोई डॉक्टर आइज़क मूसा आखिर का, तो उनके हिसाब से वो कराची ही में, यानी उस वक्त भी मौजूद थे 2008 में। तो ये सितंबर 2008 की बात है, उसमें उनका, डेविड हॉरोविट्स का ईमेल एड्रेस था। मैंने उनको फ़ौरन ईमेल किया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है और मैं किताब लिख रही हूँ और मुझे प्लीज़ आप इन का, वो अपेरेंटली कोई डॉक्टर थे, उनका मुझे आप ईमेल एड्रेस या फ़ोन, या अगर आपके पास कुछ है तो आप। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई वो तो नहीं है, लेकिन मैं जेरूसलम पोस्ट का एडिटर इन चीफ हूँ और मैं आपका खत छाप तो देता हूँ। 2 दिन में उन्होंने मेरा खत छाप दिया अपने अखबार में, और उसके फौरन बाद एक जॉनथन मार्डर ने मुझसे कांटेक्ट किया। जॉनथन ने लिखा कि मेरे बाप दादा जो थे वो कराची में होटेल्स चलाते थे। अच्छा, राइट, हाँ। तो जॉनथन ने मुझे भी, जॉनथन ही ने डोरीन का, मैरी का, इन सब का उन्होंने ही भेजा पता, क्योंकि जॉनथन ने यही बताया कि उनके जो अब्बा की आंट मैरी वाइज, जो मोजे सुमाके की बीवी, तो यानी वो एक बिल्कुल फैमिली, जाहिर है कि उस तरफ की फैमिली का वो हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बता देता हूँ, उनकी 3 वो मौजूद हैं, 2 नवासी, एक नवासी नहीं, 2 नवासियाँ और एक पोती। तो ये दोनों बहनें जो हैं, मैरी और डोरीन, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और जैकी वहाँ पर वैंकूवर में, कनाडा में। तो इन सब से मेरा रابطہ हुआ और मेरी किताब के हवाले से मुझे बहुत, एक आखिरी चैप्टर मेरी किताब में है ये, और मुझे लगा कि बस खजाना मिल गया, कि तस्वीरें भी उन्होंने भेजी और एक मैंने फैमिली ट्री भी क्रिएट किया उसमें। और बाकी तो मैं खुद, क्योंकि आर्किटेक्ट की बीवी हूँ, तो
मुझे वो तो मालूम ही है कि कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी वो सुमाके की डिज़ाइन की हुई हैं। तो सबसे वेल नोन तो फ्लैगस्टाफ हाउस है जो कायदे आजम ने खरीद लिया था 1944 में। लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत ऑर्नेट किस्म की बिल्डिंग है जो केमाड़ी में म्यूल्स मेंशन, जिसका बदकिस्मती से बहुत बुरा हाल है अब, और उसके अलावा जो BVS पारसी जो स्कूल है लड़कों का सदर में, वो उनका डिज़ाइन किया हुआ है। एडवर्ड हाउस जो उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा, जो इनके वालिद थे जैकी के, तो वो मेट्रोपोल के सामने जो जहाँ पर कैफे ग्रैंड होता था। तो ये सारी और भी गोवन यूनियन जो वो है एसोसिएशन सदर में ग्रामर स्कूल के सामने, और कई और इमारतें हैं। और इनकी खासियत ये भी थी कि वो एक कहीं पर किसी पत्थर पे अपनी सिग्नेचर किया करते थे। बहरहाल उन्होंने 1922 में कराची छोड़ दिया अपनी फैमिली को लेकर, और सब लोग वो चले गए UK। उनका ख्याल था कि बच्चों की वहाँ पर तालीम और फिर आगे शादियाँ। तो ये जो वायस फैमिली थी ना, जो इनकी बीवी की ससुराल जो मतलब इनकी ससुराल जो थी मोज़े सुमाके की, ये लोग यूरोपियन ज्यूज़ थे। जो छोटी कम्युनिटी थी यहाँ पे यूरोपियन ज्यूज़ की, और सुमाके का ताल्लुक जो है वो इराकी ज्यू थे। और वैसे आमतौर पे ये लोग जो सारी कम्युनिटी यानी जो बनी इसराइली कहलाते थे, वो किसी वक्त ईरान से माइग्रेट करके आए थे और कराची उनका शहर था। तो इन्होंने मुझे बताया, मुझे याद नहीं है डोरीन या मैरी ने जिक्र किया, कि जाते ही वहाँ पर UK हमारे नाना ने एज एन आर्किटेक्ट काम करना छोड़ दिया। तो जो भी काम उनका है वो यही कराची में काम है, यानी कराची की जो शानदार इमारतें उन्होंने डिज़ाइन की, उसके अलावा उन्होंने फिर बाहर जाके वहाँ जाके कोई काम नहीं किया। तो वो मतलब तस्वीरें हैं तो हम देख तो सकते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन क्या मिजाज था और उनका जो हाँ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं उसके बारे में मुश्किल है कहना, क्योंकि ये लोग भी बहुत छोटी थीं और इनको कुछ इतना याद नहीं है। उसके अलावा ये कि ये एक तरह से उन्होंने ड्राफ्टिंग सीखी थी। मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा कहाँ पर था, तो उसका भी कोई खातिरखा वो नहीं मिला है जवाब मुझे कि ये इन्होंने कहाँ से सीखा। लेकिन क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने ज़ाहिर डिज़ाइन इतने अच्छी अच्छी इमारतें यहाँ पर करवाई, तो इनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली है। और मेरी जब किताब की लॉन्च थी 2010 फरवरी में, तो मैंने इन बहनों को दावत दी कि आप लोग आएं कराची और मेरे साथ रहिएगा, मेरे घर में रहिएगा। और क्योंकि वो इतनी हैरान हुई, उनको यकीन नहीं आता था कि उनके नाना की दादा की ये बिल्डिंग्स अब तक खड़ी हैं कराची में। तो वो इतनी खुश हुई थी कि ये हैं कराची में। मैंने कहा बिल्कुल है, मैंने उनको तस्वीरें भेजी उन बिल्डिंग्स की। तो वो बहुत एक्साइटेड थी और आने को तैयार थी, मैरी आने को तैयार थी। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको पता है हमारे यहाँ को नहीं, वीज़ा का तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कराची में, जिसकी वजह से वो लोग जाहिर है डर गए कि एक तो यहूदी, फिर पाकिस्तान आना, और जहाँ पे कराची में ये इस किस्म के हालात थे। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ कहते हैं कि नहीं, दोनों मियाँ बीवी आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बिल्कुल अब तो हम नहीं आ सकते और ये पता नहीं क्या हो जाए।
तो मैंने बहुत कोशिश की कि उनको यकीन दिलाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई रोजाना का मामूल नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले, 8 साल पहले काफी हालात थे बुरे, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कहा इतने इतना बड़ा शहर है, हम सभी यहाँ रहते हैं, रोजाना हम अपने कामों के लिए भी निकलते हैं, तो कभी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा खतरा है कि आप ना आ सके। लेकिन बहरहाल वो नहीं आई और मुझे आज तक उस बात का अफसोस है कि वो आते तो जाहिर है हम एक एक इमारत उनको ले जाके और दिखाते और उनको भी बहुत खुशी होती, हमें भी बहुत खुशी होती, इसलिए कि एक तरह से हमने आप किसी से निकल के पूछ लीजिए तो जाहिर है किसी को नहीं मालूम, तो हम फरामोश कर चुके। इसलिए नहीं सिर्फ कि वो यहूदी थे, बल्कि इसलिए भी कि हमें आदत हमें है, कि कदर नहीं है हमें उनकी। कदर नहीं है और हमें जानने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि ये जो इतनी शानदार इमारतों की वजह से कराची की जो बात है एक, तो वो कौन था उसके पीछे, किसने डिजाइन किया, तो वो उसकी कोई म्यूजियम तो मैं सबसे मुलामा हूँ, एकदम से खूबसूरत म्यूजियम सबसे है। खूबसूरत। मैंने अभी 2-3 साल पहले ही मैं अंदर पीछे की तरफ से अंदर गई थी और वहाँ एक जो अहाता है, सहन है, वहाँ मैं खड़ी थी और मैं देख रही थी और मैं तस्वीरें मैं लेना चाह रही थी, तो शायद एक दो बस ली थी मैंने, लेकिन फिर वो चौकीदार ने मुझे भगा दिया। मगर बहरहाल बहुत अफसोस हुआ कि इतनी यानी आगे से तो जो कुछ है, लेकिन आप अंदर जाएं तो और भी बिल्कुल वो गिर रही है वो इमारत, और वो बहुत खूबसूरत इमारत है। तो हमारे यहाँ मसला यही है कि हम अपनी प्रिजर्व चीज़ों नहीं को करते प्रिजर्व उनको। नहीं करते, संभालते नहीं, इसलिए कि हमें उसकी कदर इसलिए नहीं है कि उसके बारे में आप देखें किस स्कूल में, किस पढ़ाया भी कॉलेज जाता है यूनिवर्सिटी में कभी बताया जाता है कि अपने शहर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है किसी के पास, ठीक है ना। तो मैं भी जो ये किताब लिखने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं समझती हूँ मैं कराची में पैदा हुई, मैं बहुत अच्छे से शहर को जानती हूँ, 60 साल से ऊपर हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगा कि कैसा कुछ, यानी इतने मुख्तलिफ लोग यहाँ रहते हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम था। मैं उनकी लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट कर रही थी, उनकी उनके सारे रस्म और रिवाज, उनके कहाँ से आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं कराची, पूरा जो है डोमेस्टिक माइग्रेशन भी है और बाहर के भी लोग हैं, तो यहाँ बंगाली भी हैं, यहाँ बिहारी भी हैं, यहाँ पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, मुसलमानों में भी हर कोई कहीं ना कहीं से आया हुआ है, जो लोकल यहाँ के सिंधी या बलोच हैं वो तो हैं, कच्ची हैं, लेकिन बहुत लोग जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, तो उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, उनके पकवान मुख्तलिफ हैं, उनके रस्म और रिवाज मुख्तलिफ हैं, और वही चीज़ मुझे बस था कि अगर ये भी, तो मेरा और भी ज़ीविया एप्सटाइन एक है, उनसे भी मेरा राबता हुआ था, वो भी इसराइल में रहती हैं, उनके वालिद डेप्यूटी वो थे यहाँ डायरेक्टर केपीटी के, और वो लोग मनोड़ा में रहते थे और बोट से आते थे और फिर बस में कराची ग्रामर स्कूल वो बहन भाई अटेंड करते थे। दिव्या ने यहीं से अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया, फिर लॉ में SM कॉलेज से लॉ किया, तो वो 60s में फिर चली गई। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें, उनके क्या कराची में किस तरह क्या क्या होता था उस ज़माने में, तो वो जाहिर है बहुत दिलचस्प बातें हैं सारी। ठीक, परफेक्ट, काफी है। थैंक यू सो मच, बहुत काफ़ी। मजा आया। ओके, शुक्रिया। बहुत